रिजवान ने बहुत ही आला कारकर्दगी के साथ पाकिस्तान को जीत की तरफ पहुंचाया। काश ये दूसरे या पहले मैच में उनकी ऐसी इनिंग अगर आ जाती तो सीरीज भी इंटरेस्टिंग हो सकती थी। तसलसल लाना है कारकर्दगी के अंदर। मोहम्मद आमिर की रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट, दूसरा चांस दिया उनको, उसको तो फिर रहना चाहिए था, सलूट मारना चाहिए था पाकिस्तान क्रिकेट वालों को। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट कामिल एहसान एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टॉप क्रिकेट विद सलीम खालिक। जैसा कि हमें पता है, पाकिस्तान ने आखिरी T20 अपने नाम करके सीरीज 2-1 से एंड की न्यूजीलैंड के साथ। रिजवान ने बहुत ही आला कारकर्दगी के साथ पाकिस्तान को जीत की तरफ पहुंचाया। हम चलेंगे सलीम खालिक सर की तरफ। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कामिल। सर बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है पाकिस्तान के स्क्वाड को इस न्यूजीलैंड के करंट टूर के दौरान। T20s पहले जो दो थे वो बड़ा एक डोमिनेंट फैशन में न्यूजीलैंड ने जीत लिए थे, लेकिन उसके बाद तीसरे और फाइनल T20 के अंदर रिजवान की एक बहुत ही उम्दा कारकर्दगी की बेसिस पे पाकिस्तान ने थोड़ी सी प्राइड सैलवेज कर ली। किस तरह देखते हैं इस एंटायर T20 सीरीज को आप? पहले तो बात करते हैं कामिल तीसरे मैच की। वाकई पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया उसमें, और खास तौर पे मोहम्मद रिजवान को दाद देनी चाहिए, जिनके ऊपर हमने भी बड़ी तनकीद की जो पिछले दो मैचों में वो नाकाम हुए थे एज ए ओपनर, लेकिन उन्होंने मैच जितवाया। काश ये दूसरे या पहले मैच में उनकी ऐसी इनिंग अगर आ जाती तो सीरीज भी इंटरेस्टिंग हो सकती थी, लेकिन बहुत अच्छा खेले वो। उनके बारे में कहा जाता है कि जारहाना शॉट खेलने में उनको मसाइल का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये चीज भी उन्होंने गलत साबित की और एक अच्छी इनिंग। आप इस चीज को देखें कि कराची किंग्स जो है वो भी रिजवान को नहीं खिलाता था इसी वजह से कि जी वो ऊंची हिटें नहीं लगा सकते, और यहाँ भी यही बातें हो रही थी, लेकिन चूंकि टीम में अब उनकी मुस्तकिल जगह है तो उनको खिलाना है, तो इसलिए अब ओपनर बना दिया गया था। पहले दो मैचों में टीम का कॉम्बिनेशन हमें इतना अच्छा लगा नहीं, लेकिन तीसरे मैच में आखिरकार रिजवान की एक अच्छी इनिंग सामने आ गई। हफीज को भी हमें दाद देनी चाहिए जो एक बार फिर उन्होंने एक अच्छी बैटिंग की, और पिछले मैच में भी उन्होंने 99 रन बनाए थे। हफीज तो 40 साल के होकर लग रहा है कि 20 साल के हो गए और जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं वो, और जैसे कि दूसरे लोग भी कह रहे हैं मैं भी यही कहूंगा कि यंगस्टर्स को उनसे सीखना चाहिए। एक और अच्छी बात आज के मैच में ये थी कि फहीम अशरफ की बॉलिंग बड़ी अच्छी थी और कमबैक उन्होंने किया है, और एज अ बॉलर वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो पाकिस्तान टीम के लिए अच्छी साइन है ये। और जो दूसरे बॉलर की कारकर्दगी है वो फिर आप बाद में सवाल पूछेंगे तो बताऊंगा। बिल्कुल सर, टीम मैनेजमेंट की खास तौर पे जो माइंडसेट है और जिस तरह की थिंकिंग है वो अच्छी खासी क्रिटिसिज्म में आती है। उनकी जो दो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस थी वो ये थी कि एक मोहम्मद रिजवान को उन्होंने ओपनिंग स्पॉट पे प्रमोट किया था और फहीम अशरफ को बार बार चांसेस दिए जा रहे थे जो अच्छे खासे क्रिटिसिज्म फेस कर रहे थे। आखिरी T20 क्या मैनेजमेंट की इन डिसीजंस को विंडिकेट कर देता है? नहीं देखिए कामिल, तसलसल जो है ना मेन चीज वो है, हमें ऐसी टीम नहीं बनना कि वन ऑफ के कोई भी एक दिन अच्छी जीत खेले आप जीत गए उसके बाद फिर दो मैच और हार गए तीन मैच फिर एक मैच जीत गए, हमें इस तरह का नहीं करना। हमें तसलसल लाना है कारकर्दगी के अंदर। आप इस सीरीज का अगर जायजा लें तो तसलसल नजर नहीं आए, खासतौर पर जो पहले दो मैचेस थे आपने देखा होगा कि टॉप ऑर्डर बैटिंग हमारी बुरी तरह नाकाम रही, और पहले मैच में तो शायद ऐसा लग रहा था कि सेंचुरी भी नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर हो गया, 100 से ऊपर स्कोर हुआ। दूसरे मैच में भी इसी तरह हमारी जो टॉप ऑर्डर बैटिंग है वो फ्लॉप हुई थी, तो ये सब जो चीजें ये हमें देखनी पड़ेंगी, और अभी बहुत ज्यादा खुशियां मनाने के बजाय पेपर पेन लेके टीम मैनेजमेंट को बैठना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या गलतियां हुई। ओपनर अभी भी हमारे जो है वो सेट नहीं है, बाबर आएंगे तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। उसके अलावा मिडिल ऑर्डर में भी आप देखें जो टॉप ऑर्डर बैटिंग है हमारी, हफीज जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन बाकी आप देख लें चौथे पांचवें नंबर पर अगर शादाब खान आ रहे हैं तो आप बैटिंग लाइन की डेप्थ देख लें, क्योंकि हमारे पास ऑलराउंडर उस तरह के नहीं है जैसे दूसरी टीमों के पास है। हमारे पास ऑलराउंडर जो है वो ऑलराउंडर कहलाए जाते हैं, लेकिन वो वैसे ऑलराउंडर है नहीं। जैसे कभी उन्होंने बॉलिंग में अच्छा परफॉर्म कर दिया तो बैटिंग में फिर कुछ नहीं करेंगे, बैटिंग में कर दिया तो चार मैच बॉलिंग में कुछ नहीं करेंगे। तो ऑलराउंडर तो ऐसे होने चाहिए ना कि जो मुसलसल अच्छा परफॉर्म करें बैटिंग में भी बॉलिंग में भी, ऐसा है नहीं। तो अगर आप फ्रेंकली मेरी राय पूछें तो मैं यही बोलूंगा कि फतह तो खुश आयंद है, बहुत अच्छा हुआ पाकिस्तान मैच जीता, लेकिन हमारी टीम अगर आप देखें तो बड़ी कमजोर नजर आ रही है मुझे, और इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट करने के लिए हमें मजबूत टीम की जरूरत है जो ये है नहीं।
बिल्कुल सर, नए खिलाड़ियों के आपने बात की, उसमें हैदर अली भी शुमार होते हैं, अब्दुल्ला शफीक भी आते हैं और खुशदिल शाह भी हैं जिन्हें थोड़ा सा रन दिया गया है इस सीरीज के अंदर, लेकिन उनकी नाकामी के बायस टीम को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। क्या आप करंट मैनेजमेंट जो अच्छी खासी एक डिफेंसिव माइंडसेट रखती है, क्या आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो पुराने प्लेयर्स पे वापस अपनी रिलायंस शुरू कर देगी क्योंकि इस सीरीज में नाकामी हासिल करनी पड़ी? देखें कामिल, एक बात तो साबित हो गई, मोहम्मद हफीज ने साबित कर दी, 40 साल के मोहम्मद हफीज ने, कि ओल्ड इज गोल्ड। टीम में तजुर्बा होना जरूरी है। सारे यंगस्टर्स आप टीम में ले आएंगे तो आप नहीं जीत सकेंगे। एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए जिसमें सीनियर भी हो और यंग लड़के भी हो, तभी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। और मैं समझता हूँ इस टीम में होना चाहिए था शोएब मलिक को। हफीज एक तरफ है, एक शोएब मलिक भी होते तो साथ में दो सीनियर हमारे चलते रहते, तो यंगस्टर्स को सीखने का मौका भी मिलता और टीम में एक बैलेंस भी होता। अभी हमारी जो है टेल बहुत जल्दी शुरू हो रही है, हमारी बैटिंग लाइन जो है इतनी स्ट्रांग है नहीं, ना हमारे पास कोई इतने बड़े प्लेयर हैं जिनको फिर हम रिप्लेस करें मलिक के साथ या दूसरों के साथ। तो सिलेक्शन कमेटी को ये चीज देखनी होगी कि यंगस्टर्स को बिल्कुल आप चांस दें, लेकिन साथ में सीनियर्स को भी देखें, उनको भी मौका दें, और इसी सूरत में टीम हमारी जीत सकेगी। बिल्कुल सर, लास्ट टाइम जब न्यूजीलैंड के साथ पाकिस्तान ने सीरीज खेली थी उनके होम ग्राउंड पे और T20 सीरीज अपने नाम की थी, तो बॉलिंग अटैक ने अच्छा खासा उसके अंदर एक परफॉर्मेंसेस का मुजाहरा किया था, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस का। इस दफा बॉलिंग थोड़ी लैकलस्टर निकली पाकिस्तान की, शाहीन शाह अफरीदी जो यूजुअली बहुत रिलायबल बॉलर होते हैं वो भी ज्यादा विकेट नहीं ले पाए, रन भी अच्छे खासे लीक हुए। वहाब रियाज सीनियर बॉलर पाकिस्तान के, उन्होंने भी बहुत ज्यादा रन लीक किए। फहीम अशरफ एक वाहिद ब्राइट स्पॉट रहे पाकिस्तान की पेस बॉलिंग अटैक में, तो आप पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक को किस तरह देख रहे हैं? आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की कामिल, बॉलिंग हमारी वाकई मायूस कुन रही। शाहीन की परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं थी, पहारिस को मौके मिले और एग्रेशन उनमें नजर आई, उनकी भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। वहां आपको जितने मौके मिले बीइंग ए सीनियर उनको परफॉर्म करना चाहिए था, वो भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। स्पिनर की भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, तो बॉलिंग हमारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही इस सीरीज में। और देखें अगर आप जायजा लें तो एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस रिजवान की जो थी उससे हम तीसरा मैच जीते, एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस हफीज की जो थी उससे हमने दूसरे मैच में बेहतर स्कोर बनाया, हार गए थे फिर भी। तो ये इनफरादी परफॉर्मेंस एक एक की आ रही है, ये थोड़ा 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 सबको मिल के परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी जो है टीम जो है आगे आएगी। और बॉलर्स की परफॉर्मेंस से यकीनी तौर पे बॉलिंग कोच वकार यूनुस को भी काफी तशवीश होगी, तो वकार यूनुस को भी देखना पड़ेगा कि हमारा बॉलिंग अटैक तो दुनिया भर में मशहूर है, हर तरफ कहा जाता है कि पाकिस्तानी बॉलर बेहतरीन है, तो क्या वजह थी कि इस सीरीज में हमारे बॉलर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए? शाहीन क्या थकावट का शिकार हो रहे हैं मुसलसल खेल खेल कर? बीच में उनको थोड़ा आराम भी कराया था, लेकिन देखना पड़ेगी ये सारी बातें, क्योंकि पेस अटैक हमारा नहीं चल पाया, स्पिनर्स भी हमारे कामयाब नहीं रहे, तो आगे बड़ी क्रिकेट खेलनी है तो बॉलिंग की खामियां दूर करनी पड़ेगी, वकारियों के साथ को जागना पड़ेगा। बिल्कुल सर, अब आने वाले हैं 2 टेस्ट न्यूजीलैंड के खिलाफ, पाकिस्तान की टीम की प्रिपरेशंस आप किस तरह देख रहे हैं उस टेस्ट सीरीज के लिए, खासतौर पे मोहम्मद रिजवान जो अब कैप्टन अनाउंस कर दिए गए हैं बाबर आजम की गैर हाजिरी में, तो टीम की प्रिपरेशंस और इस डिसीजन को आप किस तरह देख रहे हैं? सबसे पहले तो बाबर के ना होने से पाकिस्तान टीम को T20 में भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ा और टीम बहुत ज्यादा इंतजार करती है बाबर के ऊपर। तो शुरू में तो जैसे पहला मैच हुआ उसमें तो यही लग रहा था कि बाबर नहीं है, बाबर नहीं है, सब घबराए हुए थे, आउट हो गए जा रहे थे। दूसरे मैच में भी ऐसे ही हुआ, तो बैट्समैनों को जो है इस चीज से बाहर निकलना पड़ेगा कि भाई बाबर के बगैर भी आप परफॉर्म कर सकते हो, ये नहीं कि हर मैच में बाबर आपके साथ होंगे, आपको भी परफॉर्म करना चाहिए। एक अकेले प्लेयर के ऊपर थोड़ी सारी जिम्मेदारी डाल सकते हैं। इसी तरह आप टेस्ट मैचेस आ रहे हैं, टेस्ट में भी पहले मैच से बाबर बाहर हो गए और रिजवान को क्यादत सौंपी गई है, तो रिजवान के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आयद होगी भारी। लेकिन एक अच्छी चीज ये हुई कि तीसरे T20 में उन्होंने एक मैच विनिंग इनिंग खेली, उससे उनका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया होगा, जिसका पाकिस्तानी टीम को फायदा होगा। लेकिन बैटिंग लाइन जो है हमारी न्यूजीलैंड में खेल रहे हैं हम लोग, उनका बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है, कंडीशंस वहां की मुख्तलिफ हैं, पिचेस वहां की मुख्तलिफ हैं, और पाकिस्तानी बैटिंग वैसे ही बड़ी नाजुक है, नाजुक मिजाज बैट्समैन है हमारे बड़े, बाबर भी अब नहीं है, तो बैटिंग लाइन के हवाले से मुझे थोड़ा सा तशवीश है कि चल जाए, बस दुआ करनी चाहिए हमको। अच्छी बात यह है कि जो वार्म अप मैच हुआ उसमें 4 डेज मैच था,
फवाद आलम ने उसमें सेंचुरी की, फवाद आलम का रोहेल ने भी सेंचुरी की, लेकिन फवाद का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वो हो सकता है कि प्लेइंग 11 में शामिल हो, तो अच्छी बात है ये। रिजवान ने भी एक बड़ी इनिंग खेली, उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा। शान भी हैं, आबिद भी हैं, लेकिन वो इतना ज्यादा अभी कामयाब नहीं रहे थे, तो सबके ऊपर भारी जिम्मेदारी आयद होगी कि अच्छा परफॉर्म करें। T20 सीरीज तो हमारे हाथ से निकल गई है, टेस्ट मैचों में जीतना चाहिए और टेस्ट मैचेस जो जितवाते हैं बॉलर जितवाते हैं, उम्मीद है टेस्ट मैचों में बॉलर्स की परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी। जी सर, तो मोहम्मद वसीम जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए चीफ सेलेक्टर मुंतखब कर दिए गए हैं, तो इस डिसीजन के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, जब पाकिस्तान में मोहम्मद इलियास चीफ सेलेक्टर बन सकते हैं तो मोहम्मद वसीम क्यों नहीं बन सकते, यहाँ पर तो सारे कुछ हो सकता है। बात ये है कि हमारे यहाँ जो है साबिक क्रिकेटर्स जो है ना, जो असर रसूख वाले साबिक क्रिकेटर्स हैं, उनकी भी बड़े ग्रुप्स हैं, जिसका जहाँ दाव चल जाता है वो अपना बंदा फिट करा देता है, तो जाहिर है वसीम भी ऐसे ही तो नहीं आए होंगे, उनको भी लाया गया होगा, तो ये तो बेचारे इस तरह के जो क्रिकेटर जो बड़े पोस्ट में आए तो वो तो कठपुतली होते हैं, डिसीशन तो पीछे से हो रहे होते हैं। वसीम ने डेब्यू पे सेंचुरी की थी, उसके बाद 17 मैचों में अगले जो टेस्ट खेले थे एक और उनकी सेंचुरी है, एवरेज प्लेयर थे वो, लेकिन डोमेस्टिक में जो कोच वगैरह रहे, कोचिंग की उन्होंने, तो टीमों की परफॉर्मेंस बेहतर रही। अब ये एक अलग चीज है, एक एवरेज प्लेयर जब बात करेगा मिसबाह उल हक से या यूनुस खान से और उनको कन्विंस करने की, या वकार यूनुस को कन्विंस करने की कोशिश करेगा अपने फैसलों में, तो मसला होगा। मेरा तो ये ख्याल है कि वसीम अगर सेलेक्टर थे उनको सेलेक्टर ही रहने देते, एज अ कोच जो बने हुए थे। चीफ सेलेक्टर होना चाहिए कोई बड़ा नाम, बड़ा नाम ऐसा होना चाहिए जो फिर जो कोच है उनसे बात भी कर सके ना, कोचेस से। और आपको पता है हमारे क्रिकेटर्स की ईगो बहुत होती है, वो फिर वही बात आ जाती है, ओ एनू की पता है एक मैच में सेंचुरी करके अगले 17 मैचों में कुछ नहीं किया, मेरी पंजाबी इतनी है बस, तो वो इस तरह की आ जाती है बात ना। फिर जब मोहम्मद यूसुफ टाइप का या कोई और बड़ा, आमिर सहेल या कोई और बड़ा प्लेयर हो ना, वो फिर उसके सामने आता है, फिर वो बोलते हैं यार इसने कहा है तो फिर इस पर दम होगा, इस चीज का आगे जाके थोड़ा इशू हो सकता है। मगर माशाल्लाह वसीम की पीआर अच्छी है, मीडिया में भी सोशल मीडिया में भी, तो काफी लोग तो प्रेस कर रहे हैं, लेकिन टीम की परफॉर्मेंस कैसी रहती है हम तो उसके साथ जज करेंगे। डोमेस्टिक कोच की हैसियत से वो काफी प्लेयर्स के लिए आवाजें उठाते रहते थे जब टीवी पे भी बोलते थे, तो अब उनके पास पावर आई है कहने को, तो अब देखते हैं वो कितने यंगस्टर्स को मौके देते हैं, कितना नया टैलेंट सामने आता है, तो देखते हैं क्या होता है। राइट, एक बहुत रीसेंट डेवलपमेंट सर जिसने बड़ा सोशल मीडिया को बाय स्टॉर्म ले लिया था, वो थी मोहम्मद आमिर की रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट। उन्होंने दिल बर्दाश्ता होकर टीम मैनेजमेंट से, जो उन्हें सेलेक्ट नहीं कर रही थी, अपनी रिटायरमेंट इंटरनेशनल क्रिकेट से अनाउंस कर दी। तो इस पूरे कॉन्ट्रोवर्सी को, इस पूरे एपिसोड को आप किस तरह देखते हैं? जब एक साल पहले हमने अपने शो में ये डिस्कस की थी, याद है आपने मुझे मैसेज किया था कि बड़ा क्रिटिसिज्म आ रहा है आपने आमिर के बारे में, कह दिया कि उसको इंटरेस्ट नहीं है क्रिकेट खेलने में। अब वो मेरी जो क्लिप है वायरल हो गई थी सोशल मीडिया पे, मैंने देखा। तो यही है, जब बात करें हम लोग सच बात, लोगों को पसंद ना आए तो वो हमको बुरा भला कहते हैं, बाद में सच होता है तो कहते हैं यार इन्होंने तो पहले ही कह दिया था। तो भाई हम लोगों का मकसद यही है पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी, हम लोग किसी के जाती तौर पे किसी से कोई लड़ाई थोड़ी है, जो हकीकत होती है, जो चीजें हमें पता चलती हैं आप लोगों से डिस्कस करते रहते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती होंगी जो आपको पसंद नहीं आती होंगी तो आपको बुरा लग जाता होगा। देखिए बात यह है कि आपके घर में काम करने वाली मासी भी 10 रुपए अगर चोरी कर लेगी ना आपके, आप उसको निकाल देंगे, फिर पूरे मोहल्ले में बोलेंगे सुगना मासी ने चोरी की है, इसको कोई ना रखे, कोई नहीं रखेगा। आमिर तो लंदन की जेल में रहकर आ गए, सर आंखों पे बिठाया, दूसरा चांस दिया उनको, उनको तो फिर रहना चाहिए था, सलूट मारना चाहिए था पाकिस्तान क्रिकेट वालों को। लेकिन जहां उनके कदम जमे, उन्होंने फिर वही कि जी मैं टेस्ट नहीं खेलूंगा, अब इन्होंने कहा कि जी मैं दूसरी क्रिकेट भी नहीं खेलूंगा। परफॉर्म करके दिखाते, अब तो नए लड़के आ गए, हो सकता है इन लोगों को इतनी जरूरत भी नहीं है टीम मैनेजमेंट को, तो इसलिए उन्होंने इनको बाहर किया। लेकिन ये आमिर गलत शॉट खेल गए, उन्होंने सोचा शायद वो हीरो बन जाएंगे, लेकिन जो शायकी ने क्रिकेट है उन्होंने भी उनका डिसीजन कोई इतना अच्छा नहीं लिया है। 28 साल की उम्र कोई रिटायर होने की होती है क्या? लेकिन बात यही है ऑप्शंस की, उनके पास अब कोई कमी नहीं है। उनकी मिसेज जो है वो बरतानवी है, तो आमिर को भी उसी वजह से जो है नेशनलिटी
मिल गई है या मिलने वाली है, पासपोर्ट उनको मिल गया है पाकिस्तान की, अब उनको जरूरत नहीं है, जितना उनको पाकिस्तान से फायदा उठाना था उन्होंने उठा लिया, अब वो जाके इंग्लैंड में रहेंगे, वहां से लीग्स खेलने जाया करेंगे, तो बस यही होता है। मैं इसीलिए तो कहता हूँ कामिल के जितने भी ये करप्ट क्रिकेटर, एक दफा भी कोई पकड़ा जाए उसके ऊपर लाइव बैन करें आप, ना आने दे दोबारा, तभी फायदा होगा, तभी फर्क पड़ेगा। अभी पुराने वाले ही घूम रहे हैं, फलाना भाई हम लोग सलूट मार रहे होते हैं उनको टीवी पे बैठे हुए, इधर बैठे हुए, तो ये नए आ जाते हैं, अब आमिर आए, कल को इस तरह के और करेक्टर आए। खैर अब टाइम काफी हो गया है मेरा ख्याल है, फिर और डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच सलीम खालिक साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। ये था हमारा शो टॉक क्रिकेट विद सलीम खालिक, होप यू एंजॉयड इट। अगर आप हमें कोई मैसेज भेजना चाहते हैं तो आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं @KamilBreakdown, अगर आप सलीम खालिक सर से बात करना चाहते हैं तो आप उन्हें ट्वीट कर सकते हैं @SalimKhalik। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।